A very warm good morning, everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EBS teacher. Madam, we will read lesson 1, 2, 3 and 4 already. And lesson 3rd और 4th का हम test भी ले चुके हैं. वो हमारे अच्छे से complete हो चुके हैं. अब हम lesson 5th study कर रहे हैं. Lesson 5th है हमारा plants. Lesson 5th है plants. Plants में मैम ने आपको बताया था कि plants 5 टाइप्स के होते हैं. ट्रीज, कैसे ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. काइंड्स ऑफ प्लांट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन श्रब एंड हर्ब? कैन यू टोल्ड मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन shrubs and herbs? Shrubs plants are small. Shrubs कैसे होते हैं बेटा? Small होते हैं और वो few times के लिए रहते हैं. कुछ few years होते हैं जिनके लिए वो रह पाते हैं. उनकी stem brown color की होती है. और herb क्या होते हैं? उनकी stem green color की होती है और वो soft होते हैं. ठीक है, जैसे mint है. मिंट क्या है? हर्ब प्लांट है. एंड रोज प्लांट है, वो क्या है? हर्ब है. ट्री में क्या डिफरेंस है? ट्री होता है टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. ट्री क्या होता है? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. और उसकी थिक ब्राउन वुडी स्टेम होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रंक. और ये बहुत ईयर्स तक जीवित रहता है. जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री, ऐसे ट्रीज. ओके, टुडे वी विल लर्न क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स लाइक पी, ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट हैव अ वीक स्टेम. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू क्लाइंब. They are called climbers. ये क्या कहलाते हैं? Climbers. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ग्रेपवाइन है, मनी प्लांट है. इनकी वीक स्टेम होती है. इनकी स्टेम कैसी होती है बेटा? वीक होती है. इनको सपोर्ट की नीड होती है और ये खड़े सीधे नहीं हो सकते. इन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. आपने मनी प्लांट देखा है या ग्रेप्स की बेल देखी है? अगर आप इसको सपोर्ट देंगे, देखिए इस तरीके से कोई डंडा लगा देंगे या रस्सी लगा देंगे और उससे बांध करके खड़ा करेंगे तो ये खड़ा हो सकता है. अदरवाइज ये सेल्फ खड़ा नहीं हो सकता. हम चाहें कि ये खुद सीधा खड़ा हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्टेम कैसी होती है? वीक होती है. कैसी होती है इसकी स्टेम? वीक. यस, नेक्स्ट. हैव यू सीन अ वाटरमेलन? इट इज़ अ लार्ज जूसी फ्रूट बट its stem is very weak. It cannot support the weight of the fruit, so it grows along the ground. Pumpkin is another such plant with a weak stem and a heavy fruit. Such plants that grow along the ground are called creepers. Creepers में क्या difference है? बेटा आपने watermelon देखा है. Watermelon means तरबूज. आपने देखा है जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, वो जूसी फ्रूट होता है और बहुत बड़ा होता है. पर क्या होता है, इसके स्टेम बहुत वीक होते हैं. इसके स्टेम कैसे होते हैं? वीक होते हैं. और ये सपोर्ट देने पर भी, जैसे हमने मनी प्लांट और वाइन, ग्रेप वाइन को सपोर्ट दिया तो ये खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी होते हैं इसके अंदर फ्रूट्स, तो हम सपोर्ट भी नहीं दे सकते क्योंकि इसका वेट इतना होता है कि ये सपोर्ट से भी खड़ा नहीं हो सकता. इसलिए ये कहाँ पर खड़ा होता है? ग्राउंड में. इसलिए ये ग्राउंड में खाली लेटा हुआ ही होता है, खड़ा नहीं कर सकते हम इसको. जैसे पम्पकिन भी इसी का एक एग्जांपल है. इसकी स्टेम वीक होने की वजह से ये हैवी फ्रूट्स होते हैं और ये हमें इन्हें खड़ा नहीं कर सकते. तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ग्राउंड में. कहाँ ग्रो करते हैं? ग्राउंड में. प्लांट्स एंड क्लाइमेट. Plants need sunlight, air, water and soil
to grow found everyone, everywhere. They grow on the mountains, in the sea bed, in deserts and many other places. जो sunlight है वो plants है, उन्हें किस किस चीज़ की need होती है? बेटा हमें भी grow करने के लिए oxygen की need होती है, हमें जिंदा रहने के लिए क्या होती है? Oxygen की need होती है ना. ऐसे plants को जिंदा रहने के लिए किस किस चीज़ की need होती है? Sunlight, air, water and soil. इसको इन चीज़ों की प्लांट्स को नीड होती है. दे नीड द राइट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट वेदर कंडीशंस टू ग्रो. उन्हें अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है और अच्छे क्लाइमेट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें. सम प्लांट्स लाइक वाटर हाइड्रिक लॉटस एंड डकवेट कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाली पानी के अंदर ही होते हैं. तो वो कौन कौन से? जैसे लोटस हुआ, डकवेड हुआ, इस तरह के प्लांट्स कहाँ पर होते हैं? पानी के अंदर. सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स. तो हम अगर पूछेंगे एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो सच प्लांट्स आर ग्रो इन वाटर. प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट प्लम कैन लिव इन वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स विद वेरी लिटिल रेनफॉल. दे आर डेजर्ट प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बारिश में भी ग्रो कर जाते हैं और वो डेजर्ट में ग्रो होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? डेजर्ट प्लांट्स. जैसे कैक्टस, इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फिर विलो एंड स्पर्स ग्रो ऑन द माउंटेन एंड इन वेरी कोल्ड कंडीशंस. कुछ ठंडे इलाकों में होते हैं. प्लांट्स लाइक टीक एंड महागोनी ग्रो वेल इन प्लेसेस विच रिमेन हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. और कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म और सूखे इलाके में होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे हुए प्लांट्स एंड क्लाइमेट्स के. और मैम आपको बता चुके हैं काइंड्स ऑफ प्लांट्स 5 टाइप्स के होते हैं. ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. ठीक है, अब मैम आपको करवा चुके हैं इन तीनों के बारे में कि ट्रीज हम किसे कहते हैं, शर्ब्स हम किसे कहते हैं एंड हर्ब्स हम किसे कहते हैं. अब आपको राइट करना है क्लाइंबर्स का. क्लाइंबर्स में आप राइट करेंगे क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट. क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट. सेकंड पॉइंट है दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. एग्जांपल ग्रेपवाइन एंड पी प्लांट. क्लियर. अब है क्रीपर्स का. क्रीपर्स हम किसे कहते हैं? अब हम करेंगे क्रीपर्स हम किसे कहते हैं. क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टेम. दे कैन नॉट क्लाइंब इवन विद अ सपोर्ट. दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. एग्जांपल पम्पकिन एंड वाटरमेलन. क्लियर. तो ये आप क्रीपर्स का और क्लाइंबर्स का भी करेंगे. ठीक है, थैंक्स बेटा.